दोस्तों आपके एस मस्ट डिपार्ट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान अर्थात जियोलॉजी अध्ययन करता है, किसका करता है बताइए दोस्तों, जीवित व मृत जानवरों दोनों को, ठीक है दोस्तों। जंतु विज्ञान में जीवित और मृत दोनों का अध्ययन होता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिनके जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु। अगला मिलाना है, ठीक है, पक्षी किस में आते हैं, ठीक है, ये मिलाना है, सम्मिलित करना है सूची एक सूची दो को, पक्षी वंशागति पर्यावरण और जीवाश्म, ठीक ओके। आइए देखते हैं आंसर, पक्षी मतलब ऑर्थिनोलॉजी, वंशागति मतलब जेनेटिक्स, पर्यावरण मतलब इकोलॉजी और जीवाश्म मतलब पेलियोबायोलॉजी। ये कुछ हम पहले देख चुके हैं, इसके अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, इसके जस्ट पहले इसकी वीडियो पड़ी है वो देखकर ही प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आसानी हो करने में। फूलों का अध्ययन दोस्तों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी, ठीक है दोस्तों, क्या एंथ्रोलॉजी ओके। आइए आगे देखते हैं, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता या दृश्यता का अध्ययन, एंथोलॉजी एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन, ठीक है, पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराक्रमों का अध्ययन, ठीक है। आगे कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एंटमोलॉजी, क्या कहते हैं, एंटमोलॉजी, क्लियर हो गया। आगे आइए देखिए, ये सारे जो इसके पहले जस्ट अभी हमारी क्लास हुई है, वीडियो पढ़ा है, उसमें सारे पढ़े हुए, आप उसको दो से तीन बार देखते ही, आप जब भी एक समय हो, अभी एक से दो क्वेश्चन आने फिक्स होते हैं। आगे ये एक्थोलॉजी क्या होगा, मत्स्य की संरचना कार्य की इत्यादि का अध्ययन, एंटमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन, और मेलिकोलॉजी मोलस्का उनके खेलों का अध्ययन। अगला ये निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के से अध्ययन करता है, कौन है दोस्तों, अध्ययन करता है कौन, जनन की, ठीक है, जनन की, ठीक है। आगे ये डिटेल देखिए, सारी पहले पूछ आ चुका है तो आप एक बार देख लीजिए, जैसे वायरस वायरोलॉजी क्या है, वायरस विज्ञान है, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, ठीक है, ऐसे जनांकिकी या जनसांख्यिकी मानव संख्या और मानव के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन, ठीक है। इकोलॉजी पता ही आपको, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इथनोलॉजी, क्या कहते हैं, इथनोलॉजी। आइए देखते हैं क्या इथनोलॉजी किसको कहते हैं, इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। अभी आप देखिए इथनोग्राफी अलग है, ठीक, कन्फ्यूज नहीं, लॉजी और ग्राफी का ध्यान बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन, ठीक है, क्या कहते हैं, इथनोग्राफी। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, इथोलॉजी। इथिक्स क्या, नैतिक आचार्य कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। अभी देखिए इथिक्स जैसे जिसका एक पेपर बढ़ाया गया है UPSC और PCS में एग्जाम में एथिक्स का, ठीक है, तो यही है वो इसी का अध्ययन करता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बायोनिक्स, क्लियर। आइए देखते हैं बायोनिक्स और क्लियर कर लीजिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र का इसका उपयोग, अजैव तंत्र प्रेस का उपयोग, ठीक है। बायोनिक्स क्या होता है, जीवधारियों में उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन, बायोनॉमी ये भी होता है जीवन के नियमों का अध्ययन, और बायोमेट्री गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन,
क्लियर। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं दोस्तों? देखिए जंतु विकास में नहीं करते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका करते हैं? पादप जीवों का करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फमोदी का नहीं, शैवाल में पादप जीव उसमें है नहीं। आइए देख, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पुराने बर्फ मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे, ठीक है। उनके छाप पत्थरों की चट्टानों में होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। बीरबल सैनी इतिहास में बहुत फेमस नाम है, सबने पढ़ा होगा। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक थे, ठीक है। आइए रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं तो? सेरीकल्चर। बहुत ही तो आसान है, तब भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ठीक है। रेशम पालन, ठीक है। देखिए आगे एपिकल्चर, वनस्पति स्तर शहद उत्पादन, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन, ठीक है दोस्तों। फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन, सेरिकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। ओके। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? एपिकल्चर, ठीक। आगे अगला क्या दिया है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बताना, ठीक है। जो सही है वो तो बता रहे हैं। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर एकदम क्लियर, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी सही है, सब्जी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर नहीं होता, ठीक है। सब बागवान हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, बागवानी होता है, क्लियर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी होता है, ठीक है। फूलों फलों की खेती पोमोलॉजी, बिल्कुल सही, ठीक। डिटेल वही दिया हुआ है, आप पुश करके पढ़ लीजिए सारा डिटेल, आपको क्लियर। हॉर्टिकल्चर, ओलरिकल्चर और एग्रोनॉमी, ठीक है, ये सारे कन्फर्म क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। इन युगों में कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, उसको नहीं बताना है कौन नहीं है। एपिकल्चर शहद मक्खी की मक्खी, बिल्कुल सही। सेरिकल्चर सिल्क वर्म, वही, ठीक है। रेशम पालन, पिसी कल्चर दोस्तों बताइए, पिसी कल्चर क्या है? मछली पालन संबंधित है, ठीक है, कि लाख का कीड़ा का नहीं है, ये गलत हो गया, मछली है। हॉर्टिकल्चर फूल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया। अगला, ये निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, ठीक है। अब ये शब्द अर्थ है इसका, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, बिल्कुल सही, ठीक है। अब एक ही सही को मिला के देखना नहीं। अब ये देखें अभी बाकी किसको क्या कहते हैं। लेक्सिक शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी भाषा की संरचना और विकास का इतिहास एवं अध्ययन, ठीक है। अगला एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, सबको पता होना चाहिए। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकलाओं का अध्ययन, ठीक है। तो क्लियर हो गया। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? देखिए जस्ट आपने ऊपर देखा, शब्दकोश के संयोजन से, बहुत आता है एसएससी वन डे सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उसको अच्छे देखिए। लेक्सिकोग्राफी सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ओलेरिकल्चर, दोस्तों ओलेरिकल्चर, ठीक। आइए आगे देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, ठीक है, कौन सा एक उत्पादित होता है, कौन होता है दोस्तों? अंगूर। विटीकल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन, ठीक है। देखिए आप ही विटीकल्चर मतलब अंगूर का उत्पादन, यह उनके अध्ययन संबंधित विज्ञान, ठीक है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है दोस्तों? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बिल्कुल सही, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, क्या कहलाता है? कीट संवर्धन क्या कहता है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट, केचुआ कृषिकों का मित्र होता है, भूमि की आंत कहते हैं इसको, ठीक है। केचुआ खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, ठीक। वर्मी कल्चर के प्रयुक्त वर्म होता है, क्या होता है? अर्थवर्म होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? वर्मी कल्चर प्रयुक्त वर्म क्या होता है? अर्थवर्म। देखिए वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुए पालन भी कहते हैं, केचुओं अर्थवर्म्स के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कराती है, ठीक। आगे जेरोंटोलॉजी, ठीक, उनसे किसके अध्ययन को कहते हैं? वृद्ध, ठीक, किसके? ब्रंथ, वृद्ध, ठीक है। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी अवस्थाओं की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं, ठीक। इस पर बहुत ज्यादा जोर से काम चल रहा है, वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं।
कि व्यक्ति बूढ़ा ना हो। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं? किसका? अनुवांशिकता और विचरण। ठीक दोस्तों, का अध्ययन होता है किसमें? जीनेटिक्स में। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहा जाता है, क्या कहते हैं? जेरंटोलॉजी। जस्ट अभी ऊपर आप देख चुके हैं, क्या कहते हैं? जेरंटोलॉजी। ठीक, डिटेल दे दिया है, पढ़ लीजिए। आगे आइए, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन कहते हैं। जस्ट अभी आप पढ़ चुके हैं, जेरंटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार आया है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, किससे? मिट्टी से दोस्तों। किससे अध्ययन है? मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा या मिट्टी निर्माण, मिट्टी मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है, ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा, जिससे हर हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। क्लियर, आगे आइए देखते हैं। अस्थियों के का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है दोस्तों? किस शाखा में? ऑस्ट्रियोलॉजी। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सारे हैं, पढ़ लीजिए। ऑस्ट्रियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, ओरोलॉजी प्रोटो का अध्ययन, सेरोलॉजी रुधिर सीरम के का वैज्ञानिक अध्ययन, जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। ठीक, अगला ये सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सर्पेंटोलॉजी। ठीक, सर्पेंटोलॉजी, ठीक है दोस्तों, सर्पेंटोलॉजी का कहते हैं, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सभी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, और इक्टोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बेमेल है मतलब फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी और साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए ये सारी जो है एक वो है, और साइकोलॉजी बीमारी है। ठीक है दोस्तों, मतलब मनोविज्ञान। ठीक है, ये देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान संबंधित है। ठीक है, और जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान संबंधित है। ठीक, क्लियर। आगे हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स दोनों याद रखिए आप। ठीक, हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा विहीन पादप संवर्धन करना। ठीक, ठीक है, जल में, आइए देखिए डिटेल देखिए। और इसके लिए हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ठीक, या पौधों को उगाने की ऐसी विधि जिसमें भूमि से पौधे नहीं उगाए जाते। ठीक है, एरोपोनिक्स मतलब हवा में पौधा उगाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के।